नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्रा आईएएस एकेडमी में। दोस्तों आज का डेट है 20th of November 2022 एंड आज के क्योंकि आज संडे है ऑफ कोर्स, सो वी विल डिस्कस अ वेरी गुड आर्टिकल फ्रॉम वेरी पास्ट, लाइक इसी हफ्ते जो बहुत हॉट टॉपिक था उसके ऊपर में एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल हम लोग आज के क्लास में डिस्कस करने वाले हैं, जिसका पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में लगा दिया जाएगा। आप वहाँ से इसको जाकर डायरेक्टली डाउनलोड भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल इस बार हम लोगों ने देखने को मिला था रिगार्डिंग प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। क्यों यह आर्टिकल बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था पता है? क्योंकि सरकार जो है ना प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का जो एक्सटेंड पीरियड है उसको एक्सटेंड कर रही है। नाउ क्यों कर रही है? क्योंकि वेरियस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने बोला है दैट कोविड के समय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो इस टाइप के इनिशिएटिव्स लिए गए हैं जिससे डाउन द हायरार्की, लोअर बॉटम ऑफ द हायरार्की के लोगों को जिससे फायदा मिला, इससे इंडिया में जो फेमाइन आ सकता था या फिर महामारी आ सकती थी, दर्द एक होता नहीं था तभी। देखो पैंडेमिक वॉज ह्यूज, आपको पता था सेकेंड वेव में इंडिया का क्या हालत हुआ था, राइट? वो अगर एक्चुअली में हालत रहता तो क्या होता, राइट? तो उसके समय सरकार ने कैसे इन चीजों को टैकल किया ये काबिले तारीफ है। इसलिए यही चीज देखते हुए सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का जो एक्सटेंशन पीरियड है इसको और भी एक्सटेंड कर रही है। यह एक ऐसी स्कीम है जिसकी नोडल मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, और यह एक पार्ट था सरकार के कोविड 19 रिलीफ फीचर का, राइट? सो बेनिफिशियरीज कौन कौन थे भाई नेशनल, इसके अंदर देखो अनडाउटेडली नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के बारे में आप लोगों ने सुना है। इसके तहत क्या है दैट 5 kg ऑफ राइस या फिर वीट पर मंथ पर पर्सन को दिया जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट, राइट? अब इसमें भी जो है ना वही चीज किया जा रहा है, मतलब देखो जो 5 kg दिया जाता था ना नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत इन जनरल, तो उसके ऊपर, जी हाँ, उसके ऊपर और भी 5 kg और भी ज्यादा सब्सिडाइज रेट में बेसिकली प्रोवाइड किया जा रहा है। इनफैक्ट आपको पता होना चाहिए दैट अंत्योदय अन्य योजना के तहत 35 kg पर मंथ पर फैमिली मिलता है एकदम डाउन ट्रॉडन पीपल को, जो क्या सबसे बॉटम फीचर मतलब हायरार्की में लाई करते हैं, राइट? और प्रायोरिटी हाउसहोल्ड्स को 5 kg पर मंथ पर पर्सन मिलता है, राइट? बट अभी जो इसके तहत जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 2011 सेंसस डेटा को मद्देनजर देखते हुए ये सारे बेनिफिशरीज को इंक्लूड किया जा रहा है, राइट? जिसमें जिनके पास राशन कार्ड है ऑफ कोर्स दे आर इंक्लूडेड इन इट, राइट? इनफैक्ट प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जो है उन लोगों को भी कवर करता है जो क्या डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के बेनिफिशियरीज है, राइट? वैसे भी लोग जो क्या उस समय, आप देखो तब क्या था ना दैट पता नहीं था दैट किस स्टेट के लोग कहाँ हैं, राइट? तो अगेन सोचो अगर बिहार के लोग या फिर यूपी के लोग अगर मुंबई फंसे हुए हैं क्या उनको क्या हेल्प नहीं मिलेगा? बिल्कुल हेल्प मिलेगा। तो वो लोग क्या है, माइग्रेंट्स है ना, जी हाँ। क्या उनके पास शायद वहां पे राशन कार्ड नहीं भी होगी बट स्टिल उनको हेल्प दिया जा रहा है इस स्कीम के तहत, राइट? तो सवाल होता है दैट क्या इश्यूज फेस की जा रही थी इस स्कीम के तहत दैट सरकार ने बोला दैट हाँ कुछ महीने चला गया हम इसको बंद कर देंगे। सरकार ने एक रीजन भी दिया था और काफी जेन्युइन रीजन भी है दैट हाँ देखो फंड क्रंच है हमारे पास, ऊपर से रशिया यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है जिसके कारण दुनिया के जो फूड और एनर्जी सेक्टर्स में उससे नेगेटिव मार पड़ा है। उस समय अगर हम लोग फ्री का देते रहे तब ऐसा फ्यूचर में प्रॉब्लम हमारे देश में क्रिएट हो सकता है, राइट? हमारे देश में क्यों क्रिएट होगा भाई, पहले तो हमारे लोगों को ना खाना खिलाओगे उसके बाद ना दुनिया के लोगों को देखना पड़ेगा हमें। सो सवाल होता है आर्ग्यूमेंट्स फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ दिस स्कीम, क्या क्या आर्ग्यूमेंट्स है? पहली बात तो पैंडेमिक अभी भी 100% खत्म नहीं हुआ है, कभी भी ये हो सकता है, राइट? अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत ही ज्यादा लेवल में पहुंच गया। आप उस समय आप लोगों के पास अगर एम्प्लॉयमेंट रहता तो कोई बात नहीं, बट अनएम्प्लॉयमेंट वाला सिचुएशन है ना तब क्या करोगे? उस समय क्या आप उल्टा जो फ्री में खाना दे रहे हो वो भी छीन लोगे क्या? लोगों के पास एक तो पैसे नहीं है, ऊपर से आप खाना भी छीन रहे हो तो कैसे जो चलेगा, राइट? तीसरा है हंगर, देयर इज अ वाइड स्प्रेड हंगर अमंग द वल्नरेबल कम्युनिटीज, जी हाँ, विच इज एब्सोल्युटली ट्रू। अगर आप देख लोगे वेरियस नेशनल इंटरनेशनल डेटाज उसमें भी पता चल रहा है दैट हाँ हम लोग जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के तहत हम लोगों ने एम लगाया हुआ है दैट हंगर को विल डू इट जीरो, बट हाँ पैंडेमिक और रशिया यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट कहीं ना कहीं जिस टारगेट की तरफ हम पहुंच रहे थे उस टारगेट को और भी इसने
पीछे कर डाला है। तो सवाल होता है वे फॉरवर्ड क्या क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट वे फॉरवर्ड चीज जो बोला गया वो तो पहले बोला गया दैट इस स्कीम जो इंप्लीमेंट किया गया है ना प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, इसको आपको स्टडी करना पड़ेगा, है ना। और स्टडी के आधार पर जो भी डेटा आ रही है उसको पब्लिक करो आप, राइट। इस पब्लिक करने से क्या फायदा होगा दैट उन डेटास को फर्दर हम एनालिसिस कर सकते हैं, राइट। और उस डेटा के आधार पर फ्यूचर में अगर सरकार को कोई भी स्कीम्स को अपडेट करना हो, राइट, तो उसके चीजें ये अपडेटेड हो सकती है। देयर इज नीड टू गो बियॉन्ड द मैंडेट ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। जी हाँ दोस्तों, जैसे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत देखा गया था दैट सरकार फूड ग्रेन्स को रीजनेबल प्राइसेस में बेसिकली कभी कभी फ्री में पहुंचा रही है, तो इस टाइप का हमें फ्यूचर में भी अगर कुछ चीजें लानी पड़ी तो यस वी शुड ब्रिंग लाइक दैट, राइट। रूल्स ऑन कोटा टू कीप द बजटरी एलोकेशन अंडर कंट्रोल, रूल्स ऑन कोटा फॉर राइस एंड वीट कैन बी चेंज सुटेबली अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ कोर्स, क्योंकि हाइपोथेटिकल वे में कुछ नहीं करना पड़ेगा, इसीलिए तो बोला जा रहा है ना दैट डेटा को आप रिलीज करो पब्लिक डोमेन में रखो, राइट। जब तक पब्लिक डोमेन में नहीं रखोगे तब तक प्रॉपर उसका एनालिसिस नहीं हो पाएगा, राइट। डाइवर्जन फ्रॉम पीडीएस, जी हाँ, सेंट्रल और स्टेट अथॉरिटीज जो है दे नीड टू पॉन्डर ओवर द स्कीम्स कंटिन्यूएशन गिवन द क्रॉनिक प्रॉब्लम ऑफ डाइवर्जन ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, राइट। तो क्योंकि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत जो है बहुत सारा फूड सप्लाई डाइवर्जन होता है, ऐसा बहुत सारे एलिगेशंस लगते हैं, तो ये सब चीज को देखते हुए कहीं ना कहीं हमें इस स्कीम के ऊपर फोकस करना पड़ेगा दैट हम लोगों ने जो भी स्कीम लाया इन द फॉर्म ऑफ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, इसके तहत जो भी अभी तक स्टेप्स लिया गया है क्या वो सही है, अगर यो सही है तो किस डायरेक्शन में हमें फ्यूचर के स्कीम्स में भी बदलाव लाने की जरूरत है, राइट। सो एनीवेज, ये तो एक छोटा सा आर्टिकल था आज के बारे में डिस्कशन करने लायक। आशा करता हूँ आने वाले समय में हम लोग और भी इस टाइप के एनालिसिस एनालिटिक आर्टिकल्स जो है वेरियस हॉलीडेज में डिस्कस करते रहेंगे, ठीक है। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट क्लास में। कल के क्लास में दोस्तों अच्छे से हम लोग डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग द न्यूज वाला aspects, राइट। सो एनीवेज, वी विल बी मीटिंग इन नेक्स्ट सेशन दैट इज टुमारो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू द होल वीडियो, थैंक यू वेरी मच।